तू खुश तो है ना? जब से रचना मायके आई है माँ तीसरी बार पूछ रही थी। बोल तो दिया ना, मैं बहुत खुश हूँ। फिर तू फोन क्यों नहीं करती? जब भी बात करती हूँ तो तू टाल जाती है। नया घर है, नई जिम्मेदारी है, समय ही नहीं मिलता। क्या सारा काम तुझसे ही करवाते हैं? नहीं नहीं, काम क्या करना। फिर आपने ऐशो आराम की सारी चीज़ें दी हैं, सब काम मिनटों में निपट जाता है। घर में दो दो नौकर भी हैं, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है मुझे। अच्छा, माँ ने गहरी सांस ली। संजय जी और उनके परिवार वाले तुझे किसी बात का ताना तो नहीं देते? माँ ने डरते डरते पूछा। कैसी बातें करती हो माँ? जब पापा ने उनका मुंह नोटों की गड्डियों से बंद कर दिया है तो कोई मुझे कुछ क्यों कहेगा? आप भी ना बिना मतलब के ही परेशान होती रहती हो। कहते कहते रचना की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा अब जाओ, मुझे आराम करना है। शाम को आपके साथ बाजार भी तो जाना है। हाँ हाँ, तू आराम कर ले। मैं भी ना, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है मेरे दिमाग में। कैसे बताऊँ माँ को? तेरी घबराहट, तेरा डर सब जायज है, क्योंकि ये मुस्कान, ये खुशियाँ सब उधार की हैं। आप सबने मुझसे सब छिपाया, पर मुझे पता है संजय के घर वालों की बेहिसाब मांगे पूरी करने के चक्कर में पापा ने घर गिरवी रख दिया। एक घर बसाने के चक्कर में दूसरे घर की खुशियों को उसकी नींव नहीं बनाया जाता। चाहे मैं अपने आप को इन बातों को सोचने से कितना भी दूर रखूं, पर घर में आया हर सामान मुझे सब याद दिलाता रहता है। अब आप ही मुझे समझाओ कि मैं कैसे खुश रहूं।